हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और इस वीडियो में हम देखेंगे पेपलम की कटिंग, और कोशिश करूंगा कि इसी पार्ट में आपको मैं स्टिचिंग भी दिखाऊं, नहीं तो मैं नेक्स्ट पार्ट स्टिचिंग में दिखा दूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बार आपको साइज़ गाइड कर देता हूँ। ये मेरे पास साइज़ है, जो कि हमें लेंथ रखना है 24 इंच, चेस्ट है 32.5, कमर है 26 और हिप है 34, और जो हमें पेपलम का कमर कट देना है वो 16 इंच पे देना है, और इनकी एक्चुअल कमर 13 पे है। तो इनमें क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए वो सारा मैंने इसमें डिटेल में ले रखा है। देखिए, लेंथ ले रखी है, योग हमारा 13 पे है, लेकिन जो हम स्लिट खोल रहे हैं वो 16 पे कर रहे हैं, मतलब जो हम पेपलम का कट दे रहे हैं वो आगे आप डिटेल में देखिए, वीडियो स्किप ना कीजिएगा, तो आपको पूरा डिटेल में पता लग जाएगा। और इसका एक्चुअल गला हम 7.5 नॉर्मल देंगे, लेकिन जो फाइनल गला होगा उसको हम 4.5 इंच करेंगे। इसमें हम कुछ स्टाइल करने वाले हैं, तो आप बने रहें, देखते रहें कैसे स्टेप बाय स्टेप करता रहूँगा मैं। और डॉट पॉइंट 8.5 है, बाजू 10 इंच लंबी देंगे, 9 इंच मोरी देंगे, बाजू में भी कट देंगे। तो इसमें काफ़ी कुछ सीखने वाला है, तो आप वीडियो पे बने रहें, वीडियो बिना स्किप के देखिए। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमारे पास फैब्रिक है, तो इसका हम पहले ऊपर का पोर्शन कट करेंगे। इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे पहले साइज़ के अकॉर्डिंग, इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे। जैसे चेस्ट 32 है तो उसी हिसाब से हम फोल्ड कर लेंगे कि हमारा साइज आ जाए ऑलमोस्ट। ये देखिए 32, और जो चाक खुल रहा है 28 है, तो उसके हिसाब से हमने साइज बना लिया है। और इस पर अब हम मार्किंग करेंगे। अब इसकी लंबाई 24 है, लेकिन इसके जो योग की लेंथ है वो 16 इंच है, तो हम जो मेन पल्ला ये कट करेंगे वो हम 16 इंच कट करेंगे, और जो फाइनल लेंथ करेंगे उसमें हम 8 इंच का बढ़ता हुआ लगाएंगे। उसको कैसे लगाएंगे आप बने रहें, देखते रहें स्टेप बाय स्टेप, पूरी वीडियो देखें। इस तरीके से सबसे पहले हमें नीचे निशान लगाना है, इस तरीके से लंबाई जैसे कि 16 है, यहाँ पे हमने 16 पे निशान लगाना है, और ये जो मार्जिन लेना है वो ऐड कर लेना है। साइज़ छोटा है तो इसमें हम 6 इंच का आर्मोल डाउन देंगे। कमर 13 पे है तो हम ये 13.25 पे निशान लगा लेंगे, क्योंकि कंधे में मार्जिन भी जाएगा, और ये निशान सीधे कर लेंगे। इस तरीके से निशान सीधे कर लेंगे। गले का ब्रॉड नॉर्मली 2.5 होता है, बट इसमें हमारा जो गले का ब्रॉड है बोट नेक है वो 10.5 है, तो मैं ऐसे 10 पे निशान लगाएंगे, 5 पे। और अभी हम इसका गला कट नहीं करेंगे, गला हम आगे कट करके दिखाएंगे। चेस्ट 32.5 है तो 1 इंच की लूजिंग देंगे, 33.5, तो ये 33.5 हो गया। कमर 26 है, अब साइज़ नॉर्मल है तो इसमें हम 2.5 इंच की लूजिंग देंगे, 28.5, तो 28.5 का चौथा हिस्सा 7 इंच एक सूत। और हम आगे और पीछे दोनों तरफ डॉट देने वाले हैं। और जो यहाँ पे हिप है जो 16 इंच पे कमर है 28 है, तो 2 इंच की लूजिंग हम यहाँ दे देंगे। यहाँ पे हमने क्या किया है, 32 पे निशान लगाया है, बट ये जो डॉट आएगी यहाँ पे भी डलेगी। तो आप देखिए मैं कैसे क्या मार्किंग कर रहा हूँ, इस तरीके से हमने मार्किंग करी है। और जो डॉट की प्लेसमेंट है हम कुछ ऐसे करेंगे, डॉट पॉइंट हमारा 8.5 है तो हम ये 9 पे निशान लगा लेंगे, और जो डॉट डलेगी कुछ इस तरीके से डलेगी, इस तरीके से और इस तरीके से कम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने हल्का सा कम कर दिया है, और उसके साथ साथ क्या करना है हमें, साइड से 0.5 इंच ऊपर उठा देना है, इस तरीके से ताकि जो हमारी साइड से लटके ना। अब उसके बाद क्या करना है, हमें गला पीछे से तो नॉर्मल देना है, तो इस तरीके से हमने नॉर्मल के हिसाब से निशान लगा लेना है, इस तरीके से और ऐसे हम आर्मोल का शेप बना लेंगे। इस तरीके से आर्मोल चेक कर लेंगे। तो गैस आर्मोल थोड़ा बड़ा आ रहा है, वो हम कटिंग में कवर कर लेंगे। अब हम इसे कट कर देते हैं। हमारा बैक पल्ला कट गया है, इसी की मदद से हम फ्रंट पल्ला कट करेंगे। इस तरीके से हमने पल्ला बिछा लिया है, और वापस हम इसी के ऊपर बैक पल्ला बिछाएंगे, इस तरीके से। ये देखिए हमने आगे के लिए पल्ला बिछाया है। अब हमें क्या करना है, इसको सेम कॉपी कर लेना है पहले, तो
हमने इस तरीके से कॉपी कर लिया है और पीछे का हम हल्का सा छोटा कर देंगे, पीछे का मार्जिन ख़त्म कर देंगे और इसको हम वापस इसी में मिला देंगे, क्योंकि पीछे हमारी हिप आएगी तो हमारा पीछे पीठ पे ये छोटा होना चाहिए, आगे पेट और चेस्ट की वजह से थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तो इसको हमने क्लियर कर लिया है इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, इसका निशान उठाना है, ये गले का ब्रोड हो गया, ठीक है, इसके चटके उठा लेने हैं, ठीक है। अब इसका हमारा काम हो गया है, अब हमें इसमें देना है सबसे पहले गले का डिप, तो गले का डिप हम इसमें देने वाले हैं ऐसे सामने से, एक्चुअल जो गले का डिप देंगे हम इसमें 6.5-7.5 का दे देंगे, ठीक है। अब इसमें जो हम गोल गले का शेप लाएंगे वो हम कुछ इस तरीके से लाएंगे, इस तरीके से, और इसके ऊपर हम एक बोट गले का पैनल बिठाएंगे जो का गले का डिप ये होगा, और इस पे जो पैनल आएगा कुछ डिज़ाइनिंग है वो मैं आगे आपको कटिंग करके दिखा रहा हूँ, और इसका हम हल्का सा हाला भी छाटेंगे, तो हाला कुछ ऐसे छटेगा, ऐसे हम हाला छाट लेंगे इस तरीके से। उसके बाद हमें डॉट पॉइंट की प्लेसमेंट करनी, साइज छोटा है तो हम 3.5 इंच की डॉट का ब्रॉड रखेंगे, मतलब 7 इंच, और ऐसे हम डॉट पॉइंट का प्लेसमेंट ऐसे कर देंगे। अब डॉट पॉइंट इसमें 8.5 है तो ऐसे हम 9 इंच पे निशान लगाएंगे, और कमर पे हम दोनों तरफ डॉट देने वाले हैं ऐसे, इसको हम ऐसे कवर कर लेंगे इस तरीके से, और इसे हम डॉट पॉइंट पे चटका लगा लेंगे, और इसको हम ऐसे उठा लेंगे इस तरीके से। अब हमारा फ्रंट पल्ला भी कट गया है, बैक पल्ला भी कट गया है, अब हम बाजू कट करेंगे। बाजू कट करने के बाद इस पे जो डिज़ाइनिंग वाली लेयर है उसे हम कट करके दिखाएंगे, देन उसके बाद हम फाइनल स्टिचिंग वाले पार्ट में जाएंगे। डबल करने के बाद इसको एक बार हम फिर डबल करेंगे इस तरीके से, इस तरीके से हमने फोल्ड कर लेना है, ये देखिए, इस तरीके से। उसके बाद हमें सबसे पहले 1/2 इंच पे निशान लगाना है, क्योंकि इसके बाजू में हम कटवर्क देने वाले हैं, तो हम इस तरीके से पहले सीधा निशान लगाएंगे इस तरीके से, और एक हम ऊपर निशान लगाएंगे। अब लंबाई हमारी बाजू की है 10 इंच, तो ऐसे हम 10.5 पे एक निशान लगाएंगे, और आर्मोल डाउन देंगे हम 3.5, ठीक है, ये निशान सीधे कर लेंगे इस तरीके से। अब चेस्ट है 32, तो आर्मोल आएगा इनका 14.5 के हिसाब से, ऐसे 6.25 और ये 7.25, तो इस तरीके से हमारा आर्मोल रख दिया जाएगा। मोहरी 9 है तो ऐसे हम 4.5 रख देंगे, और बाजू में हम हल्का सा शेप पट्टी का यूज़ करेंगे, तो इस तरीके से हम शेप पट्टी यूज़ करेंगे। आर्मोल जो हम जाएंगे 1.5 इंच तक ऐसे जाएंगे, फिर 1.25-1.5 इंच के बाद हम इसको ऐसे शेप दे देंगे इस तरीके से, इस तरीके से। तो आप देखिए हमारी पूरी टोटली मार्किंग हो गई है, अब हम इसे कट कर लेंगे। इस तरीके से और इसमें भी हम अभी चीरा लगा लेंगे, क्योंकि इसमें हम बाजू में डिज़ाइनिंग देने वाले हैं, इसको हम ऐसे चीरा लगा लेंगे इस तरीके से। इसमें हम क्या डिज़ाइनिंग देने वाले हैं आप वीडियो पे बने रहें, और अगर आप चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसका दूसरा पार्ट तीसरा पार्ट सारे आप देखें। इस पर हमने ट्यूलप पैंट दी है, वो वाली अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप चैनल पर जाके विजिट करके आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बाजू कट गई है बेसिक, इसकी जो हम स्टिचिंग वाले पार्ट में इसकी हम डिज़ाइनिंग कट करेंगे, और इसका जो मेन डिज़ाइन का लेयर है फ्रंट वाला वो मैं अब आपको कट करके दिखाता हूँ। इसको हम सेम कॉपी कट कर लेंगे।
इसके हम निशान भी उठा लेंगे डॉट पॉइंट के। तो ये हम देखिए सारी चीज़ें कॉपी कर ली हैं। अभी हमें इसकी गले की कटिंग जो भी डिज़ाइनिंग करनी है, अब जो इसकी हम कटिंग करेंगे, गला कट कर लेंगे। पहले हम डीप वाला और फिर हम ये बोट वाला गला कट कर लेंगे। ये हमारा नीचे वाले में जो हमारा मेन पैनल है वो हो गया, और गोल गले का हमने ये शेप बना लिया है ताकि डिज़ाइनिंग देने में आसानी रहे। और ये जो हमारा हल्का सा की होल सा दिखाना है, हमने उतना वो निशान लगा लिया है, और इसी निशान के अकॉर्डिंग हम नीचे शेप ले जाएंगे। इस तरीके से कमर में डोरी है तो हम कमर की जगह पे हमने डोरी देनी है, तो हमने वहाँ पे भी शेप दे दिया है, और इसको हम इस तरीके से कट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से कट करने के बाद हमारा डिज़ाइनिंग लेयर तैयार हो गया है। अब हम कर लेंगे पेस्टिंग। तो हमने कपड़ा साफ़ करके ये पेस्टिंग चिपका ली है, और इस पर हम जो है पेस्टिंग करके पहले इस तरीके से बिछा लेंगे, पेस्टिंग कर लेंगे। इसमें आप डायरेक्शन का ध्यान रखें, आपका ऑपोजिट साइड पेस्टिंग ना हो जाए, उस चीज़ का आप ध्यान रखें। और जब आप पेस्टिंग करते हैं तो ये चीज़ आपने मैच कर लेनी इस तरीके से जैसे मैंने की है, क्योंकि डबल करके ही पता लगेगा कि हमारे दोनों साइड के गले इक्वल हैं या नहीं है। और इस तरीके से निशान उठा लिए, और इसी तरीके से हम दूसरी तरफ बिछाएंगे, उधर का भी हम निशान कॉपी कर लेंगे, और इसे हम कट करके निकाल देंगे। ये देखिए, काफ़ी ईजी तरीके से स्टेप बाई स्टेप मैंने किया है, और काफ़ी ईजी तरीके से मार्किंग हो जाएगी, फिर हम उस पर कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। याद देखें, हमने कर लिया है, और दूसरी साइड भी हमने डबल करके, हमने देखिए इधर का भी निशान कट करके निकाल लिया है। ये देखिए, अब हमारा लेयर निकल गया है, और हम इसको जो है पेस्टिंग को अलग कर ले रहे हैं इस तरीके से। ये देखें, ये एक बार में ही पेस्टिंग हुई है, और उसके बाद जो हमारी वेस्टेज है ऊपर से, उससे हम फ्रंट का गला निकाल लेंगे। ये देखिए, उसी पेस्टिंग में से साइड से हमारा फ्रंट का गला निकल गया है कुछ इस तरीके से। और जो ये वाला टुकड़ा है, ये हमने बैक साइड से जो गला निकालना था, हमने बैक साइड का भी निकाल लिया है। तो हमारी टोटली मार्किंग होके पेस्टिंग हो चुकी है। अब ये हमारे पास आ गया है जो एक्स्ट्रा नीचे का लेयर बनाना था, उसके लिए हमने ये कपड़ा उठाया है डबल करके, और उसके बाद फिर हमने डबल कर दिया है। और जो भी हमारी चौड़ाई तैयार हुई है, उसी के अकॉर्डिंग हम एक बार इसे और फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। फोल्ड करके इस तरीके से हम गोलाई देंगे कमर के लिए, ताकि फॉल इक्वल आए। तो हमने दो दो इंच की गोलाई दे दी है, और उसी हिसाब से हमने ये निशान लगा लिया है इक्वल लेंथ का। ये देखिए, हमें 8 इंच चाहिए था, हमने 9 इंच की चौड़ी पट्टी काट ली है। इसको कट करके हम निकाल लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, ये इस तरीके से हमने निकाल लिए हैं, और ये अभी हमारा गोल है, तो हम एक तरफ से कट कर देंगे, तो ये हमारा सीधा हो जाएगा। तो ये देखिए, फॉल आ गया है, और काफ़ी सुंदर फॉल निकल के आया है पेपलम के लिए। तो आप देख सकते हैं, हमारी कटिंग ख़त्म हो गई। अब हम आ चुके हैं पेस्टिंग करके मशीन पे। तो सबसे पहले हम इसका गला बना लेंगे। तो आप चैनल पे बने रहें, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इससे पहले का जो इसकी समोसा सलवार की वीडियो है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लीज़ चैनल पे विज़िट करके आप देख लें, या डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है मैंने, वहाँ से आप विज़िट करके देख सकते हैं। काफ़ी यूनिक और सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है कैसे डिज़ाइनिंग वाले पीस बनते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, कैसे कटिंग की जाती है। तो आप जो भी आप वीडियो देखते हैं, पूरी वीडियो देखा करिए, ताकि आपको समझ में भी आए पूरी वीडियो, क्योंकि आधी अधूरी वीडियो में उतना समझ में नहीं आता है। तो हमने इस तरीके से गला फोल्ड कर लिया है, जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था हमने उसे छाट के निकाल देना है, ताकि फिनिशिंग भी अच्छी आए इस तरीके से। और इसी तरीके से हमने दूसरे वाले गले की भी फिनिशिंग कर लेनी है। ये देखिए, और इसके बाद हमने जो है गला पलट देना है। इसको हम गले में गले को मैच करेंगे और पलट देंगे इस तरीके से। एक पैर के मार्जिन से हम गला पलट देंगे। जब गला पलट जाएगा तो फिर हम बाकी डिज़ाइनिंग का काम करेंगे। तो आप चैनल पे बने रहें, पूरी वीडियो देखते रहें, स्टेप बाय स्टेप पूरा पीस बनता हुआ देखें कैसे कैसे हमने बनाया है। और वीडियो कैसे लगी प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप कहाँ से देख रहे हैं वो भी कमेंट करें, वहाँ पर क्या चलता है, क्या कल्चर में पहना जाता है, कोशिश करें हमें कमेंट करके बताने की, ताकि मैं कोशिश करूँ कि उससे रिलेटेड टॉपिक पर वीडियो बनाने की। इस तरीके से हमने फिनिश कर देना है। ये हमारा बैक साइड का पल्ला है, बैक साइड पे भी हमने पेस्टिंग की पट्टी लगा लेनी है इस तरीके से।
ये हमने लब की सिलाई लगा ली अंदर साइड ताकि हमारे गले के अंदर साइड की फिनिशिंग अच्छी आए। और आगे पीछे के पल्ले हो गए। अब हमारा मेन डिज़ाइनिंग वाला जो लेयर था हमने उसके लिए जो पट्टी कट करी थी उसको हम ऐसे मोड़ लेंगे इक्वल तरीके से पहले चारों ओर। इस तरीके से हम मोड़ लेंगे, ये देखें। फिर हम दूसरी साइड से भी मोड़ लेंगे इस तरीके से। ये हमारे नीचे साइड का लेयर है, ये देखें। उसके बाद हमने इसकी भी फिनिशिंग कर लेनी है, छाट लेना है। इस तरीके से छाट लेना है। आप देखें ये हमारा मेन पैनल है, इस पर अभी हमें गला पलट लेना है। और गला पलटते टाइम आप पूरा चेक करके ही गला पलटें फिनिशिंग, क्योंकि वन साइडेड शोल्डर होते हैं उनमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। और आप इसका कमेंट करें, मैं बिल्कुल वन साइड शोल्डर नेक्स्ट डिज़ाइन जो बनाऊंगा और अच्छा और इससे और यूनिक डिज़ाइन बनाऊंगा। बट उसके लिए प्लीज़ आपके हमारे पास कमेंट आने चाहिए बहुत सारे, तो ही मैं बनाऊंगा। क्योंकि इसको बनाने में और अपडेट करने में मेरे दो से तीन दिन लगे हैं, वीडियो बनाने में, शूट करने में, एडिट करने में। तो प्लीज़ अगर आप बहुत सारा कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो ही मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा और अच्छे डिज़ाइनिंग में। ये देखिए हमने इस तरीके से बहुत सरल तरीके से हमने ये पलट लेना है। और यहाँ पे जो है हमने डोरी भी अंडरग्राउंड कर लेनी है, क्योंकि इसमें हम कमर में बांधने के लिए हम डोरी दे रहे हैं। इस तरीके से पलट लेना है, ये देखें। उसके बाद ये चटका लगा के यहाँ पे से हमें कट मार लेना है, क्योंकि ज़्यादा मार्जिन होगा तो बैठने नहीं देगा। और इसको हमें सुई धागे से पलटी मार लेना है। गले में भी हमने चटका लगा लिया है। अभी एक साइड के शोल्डर को हम पलटी कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा पूरा फिनिशिंग के साथ बनना है एक साइड से। तो इसको हम पलट लेंगे इस तरीके से कुछ। ये देखिए ये हमारा फाइनल पीस है। और ये हमारा आफ्टर प्रेस करने के बाद है, तो प्रेस करने के बाद कुछ ऐसा लुक आया है। अभी इसकी हमें डिज़ाइनिंग करनी है। ये हमारे गले हैं पीछे का है और ये हमारा फ्रंट का है, और इसी के ऊपर हम वाला पैनल बिठाएंगे। अब हमने इसमें डॉट डाल लेनी है, क्योंकि लेस वेस भी लगानी है, तो हम पहले डॉट डाल लेंगे। डॉट हम कुर्ते स्टाइल में डालेंगे, क्योंकि ये थोड़ा क्रॉप टॉप टाइप का है, तो कमर इसकी थोड़ा ऊपर है और नीचे हिप आ रही है। तो इसकी जो हम प्लेटिंग कर रहे हैं क्रॉप टॉप की तरीके से कर रहे हैं, जैसे कुर्ते में डाली जाती है। तो डॉट डालने के बाद इस तरीके से सारे लेयर्स में हम डॉट डाल लेंगे, इसमें भी डॉट डाल लेंगे। जो मेन हमारा डिज़ाइनिंग वाला लेयर था हमने उस पर भी डॉट डाल लेनी है, ताकि फॉल हमारे सारे पीसेस में एक जैसी है, कोई लूज टाइट जैसा ना आए। तो हमने उसमें भी डॉट डाल लेना है इस तरीके से। तो आप देखें हमने सारे डॉट का काम ख़त्म कर लिया है। अब हमें क्या करना है, प्रेस करके क्लीन कर लेना है, और उसके बाद जो है हम इस पर लेस लगाएंगे। तो ये हम जो है सेट कर लिए हैं, इसमें हम डिज़ाइनिंग का काम अब करेंगे स्टार्ट। तो हम गले में पहले लेस लगा लेंगे मेन वाले लेयर्स में इस तरीके से। जब भी आप ये लेस लगाते हैं तो थोड़ा सा बारीकी से लगाएं, ध्यान से लगाएं, क्योंकि अगर आप इसको नॉर्मल लगाएंगे तो ये गला खींचेगी, तो एक गला ना फैलेगा। तो उसका भी एक तरीका होता है, अगर आपको लगाना नहीं आता है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से बना दूंगा कि गोटे पे सिलाई किस साइड गुलाई में कहाँ पे चलनी चाहिए, कोने कैसे बनते हैं, गुलाई में हम कहाँ पे सिलाई लगाएं कि हमारी गुलाई बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, गला फैले ना। कई लोगों की कंप्लेन रहती है कि जब गोटा लगाते हैं, चंपा गोटा लगाते हैं, तो गला फैल जाता है। गैस मैं ऐसा तरीका बताऊँगा कि आपका जिस शेप का भी गला है वैसा ही बन के तैयार होगा। ये देखिए हमारा फाइनल गला बन के तैयार है, मेन डिज़ाइनिंग वाला लेयर।
अब ये जो है हम जो गला है जो इसके नीचे हम देंगे उस वाले में हम ये कर ले रहे हैं लेस कंप्लीट, क्योंकि थोड़ा सा की होल दिखेगा उसमें लेस ये दिखनी है, तो इस तरीके से हम कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए हमारा फाइनल पीस बन गया है और इसके ऊपर हम इसको पैच करेंगे। तो हमने ऐसे सेट कर लेना है पहले अच्छे से, ये देखिए एक कंधे के ऊपर दूसरा कंधा मैच कर रहा है इस तरीके से, और इसी तरीके से हम दूसरे कंधे पे भी कंधा मैच करेंगे इस तरीके से। हमने ये दोनों पहले मैच कर लिए हैं, उसके बाद हमें ये जो है कच्चा कर लेना है पूरे पीस को, क्योंकि हमारा जो सामने का वैसे लेयर है वो तो फ्री रहेगा लेकिन नीचे कमर से अटैच होगा, तो इसको हम पहले अच्छे से सेट कर लेंगे। सेट करके हम बाकी की साइड्स कच्ची कर देंगे नीचे से और साइड से और आर्म होल से हम इसको आपस में ब्लॉक कर देंगे। इस तरीके से हमें वापस ब्लॉक कर देना है, लेकिन ब्लॉक करते टाइम आपने चेक कर लेना है कि कहीं कोई पीस गड़बड़ी ना हो रहा हो, फिनिशिंग बिल्कुल क्लियर है। तो ये देखिए हमने मैच कर लिया है। मैच करने के बाद हमें आपस में मैच करके इसको छाट लेना है, ताकि अगर कोई भी चीज़ छोटी बड़ी आ रही तो बिल्कुल इक्वल आए। तो हमने ये देखिए दोनों डबल कर लिया कपड़ों को, और डबल करने के बाद कंधे में जो भी फैब्रिक ऊपर नीचे हो रहा है हम उसको इक्वल करके छाट ले रहे हैं इस तरीके से। ये आप देखें हम इस तरीके से सेट कर ले रहे हैं कुछ इस तरीके से। ये देखिए अब हमारा ये मेन लेयर तैयार हो चुका है। अब हमें जो है इसमें जो है जो नीचे का पैनल है पेपलम का वो जोड़ लेना है इस तरीके से। तो हमने आगे वाले पल्ले में ये डिज़ाइनिंग वाला लेयर जोड़ लिया है, और इसी तरीके से हम पीछे वाले पल्ले में पेपलम के लिए वो जोड़ लेंगे नीचे का लेयर। तो ये हमारा फाइनल पीस तैयार है, ये देखिए कुछ ऐसा लुक आया है। और इसी तरीके से हमने दूसरे वाले पल्ले में भी जोड़ना स्टार्ट कर दिया है। ये देखिए हमने वो भी जोड़ दिया, और अब हम कंधा जोड़ लेंगे। अब हमारा मेन डिज़ाइनिंग का काम हो गया है, अब हम नॉर्मल चीज़ जो बनानी है हम उसको बनाना स्टार्ट करेंगे। फिटिंग की सिलाई लगा दे रहे हैं, अब हमारा फाइनल पीस हो रहा है तैयार। फिटिंग की सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। ये हमारी दूसरी साइड है, दूसरी साइड भी हम फिटिंग की सिलाई लगा देंगे, और हमें डोरी भी अटैच करनी है। तो हम साइज़ देख के हम डोरी उसी के सामने अटैच करेंगे जो हमारी एक डोरी लग रही है, दूसरी डोरी भी उसी के सामने लगनी चाहिए। तो हम डोरी ऐसे चेक करके ब्लॉक कर देंगे वहीं पर इस तरीके से, और टाँकी लगा देंगे हल्की सी ताकि डोरी बांधने टाइम खींचेगी तो टूटे ना। और इस तरीके से हमारा फाइनल पीस तैयार हो जाएगा। तो आप देखें हमारा फाइनल पीस बनके तैयार हो गया है। साइड में जो भी थोड़े बहुत धागे या छोटा बड़ा हो रहा है उसको छाट के हम इक्वल कर लेंगे इस तरीके से। और इक्वल करने के बाद हम इसकी साइड चेक करेंगे और लेंथ चेक करेंगे। तो इस तरीके से हम इसको डबल कर लेंगे और साइड टू साइड आपस में मैच करके इस तरीके से जो भी लटक रहा है छोटा बड़ा हो रहा है हम उसको इसे इक्वल कर लेंगे। तो देखिए हमारा फाइनल पीस बन चुका है। अब हम बाजू पे काम स्टार्ट कर रहे हैं। हमने बाजू के लिए चार पट्टी ली है, ये देखिए तीन चार, और अब बाजू के हम डिज़ाइनिंग करने वाले हैं। तो इसको हम ऐसे रखेंगे और इस तरीके से हम ऊपर नीचे एक निशान लगा लेंगे। जो भी गैप है उसको हम तीन भाग में डिवाइड कर देंगे, तो तीन प्लस का आ रहा है कुछ, और इसमें हम एक बीच बीच में और निशान लगाएंगे इस तरीके से ताकि इसका सेंटर बने इस तरीके से।
उसके बाद हमने इसके बगल में एक निशान लगाना है कि हमारा जो बर्फ़ी की चौड़ाई रहेगी कितनी चौड़ी रहेगी, और इसमें मैंने ऐसे कट मार लेने हैं इस तरीके से कट मार लेने हैं। इसी तरीके से हमें दूसरी साइड से भी कट मार लेने हैं इस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से दूसरी साइड मार लेना है कट, और ऐसे सेट कर लेना है पट्टी को, इस तरीके से सेट कर लेना है कुछ इस तरीके से। ये देखें, सेट करने के बाद हमारे पास ये पट्टी बन के तैयार हो गई है। इस पट्टी को हमें इक्वल कर लेना है ताकि दोनों बाजुओं में चारों पट्टी इक्वल आएँ, और ऐसे छाट के पहले तो हमें इसको मोड़ लेना है ताकि फिनिशिंग भी आती रहे हमारे पीस में। तो हम ऐसे मोड़ लेंगे इस तरीके से, तो हमने ये एक पैर के मार्जिन से जोड़ा है, और मोड़ने के बाद हम इसको आपस में बाजू में पलट लेंगे। तो गाइस, आई होप आपकी वीडियो पसंद आ रही होगी, और यहाँ तक अगर आप हैं तो आपको डिज़ाइनिंग वाले पीसेस में काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगी इसको देख के कि मैंने कौन सा तरीका यूज़ किया है, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। ये पट्टी हमने बना ली है, अब हम बाजू को पलटे करेंगे। तो हम एक एक पट्टी करके पलट लेंगे इस तरीके से, ऐसे मैच करके हम इसको एक पैर के सिलाई से पलट लेंगे इस तरीके से। हम इसको अब सिल लेंगे एक पैर के मार्जिन से, और सिलने के बाद हम इसको पलट लेंगे। तो गैस, आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि और भी लोगों को सीखने का मौका मिले और हमें भी अच्छा लगे, क्योंकि आप लोगों के कमेंट पढ़ के भी अच्छा लगता है, और जो आप शेयर करते हैं उससे हमें और भी अच्छा लगता है। इस तरीके से हमने सिलाई लगा लेना है। ये हमारा दूसरी साइड का पल्ला है, तो बाजू की दूसरी साइड को भी हमने ऐसे ही सिल लेना है। इसी तरीके से हमने चारों पल्लों को पलट लेना है। तो ये हमारा दूसरा पल्ला है, इसको हम एक पैर के मार्जिन से पलट ले रहे हैं इस तरीके से। ये आप देखें, पलटने के बाद हम ऐसे कटवट लगा के हम ऐसे कर लेंगे, और इसको हम प्रेस से बिठा लेंगे अच्छे से। ये देखिए, हमने प्रेस कर लिया है, प्रेस से बिछा लिए, सेट कर लिया अच्छे से, और इनको हम अब आपस में जोड़ेंगे। तो आपस में कैसे जोड़ेंगे आप देखते रहें, कैसे स्टेप बाय स्टेप मैं जोड़ रहा हूँ और कैसे डिज़ाइनिंग वाले पीसेस बनाए जाते हैं। तो इसको हमने ऐसे रखा, और इस तरीके से पहले हम एक तरफ में लब की सिलाई लगा लेंगे दोनों बाजुओं के एक एक तरफ। तो इस तरीके से हमने पहले सिलाई लगा देना है। ये हमारे दूसरी साइड है बाजू की। तो आप देख सकते हैं, हमने एक साइड जो है सिल ली है, पहले लब की सिलाई लगा ली है। दूसरी साइड को हम ब्लॉक करते हुए चलेंगे, तो हमने ऐसे ऊपर से मैच करके सिल लिया है इस तरीके से, ताकि हमारी ये डिज़ाइनिंग अच्छे से कंप्लीट हो गया है। इस तरीके से सिल लिया है, और इसी तरीके से हम दूसरी बाजू को सिल लेंगे आपस में ऐसे, और ऊपर से भी सिल देंगे इस तरीके से, इस तरीके से। सिलने के बाद एक बार हमें क्रॉस चेक करना है कि जो हमने काम किया वो सही है या गलत है। तो अच्छे से चेक करने के बाद फिर आपने पक्का करना है, क्योंकि पक्का करने के बाद आप चेक करेंगे तो वो गलत होगा। अब हम इस पे लब की सिलाई लगा के हम इसको आपस में ब्लॉक करेंगे। तो ब्लॉक करने के लिए देखिए, हमें लब की सिलाई लगानी है। एक साइड से तो हमने पहले ही सिल लिया था, दूसरी साइड से हम सिलाई भी लगा रहे हैं और ब्लॉक भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम पॉइंट्स को ऐसे मैच करके सिलेंगे टाँकी लगा के, ताकि हमारी टाँकी अच्छे से बैठें और ये जो हमारा डिज़ाइनिंग बना है ये बिल्कुल सही से तैयार हो। तो इस तरीके से हमें मैच कर लेना है और सिलाई लगा देना है इस तरीके से।
ये आप देखें, हमने एक बाजू को ब्लॉक कर लिया है। उसी तरीके से हम दूसरी बाजू को ब्लॉक कर रहे हैं। जितने भी ये हमारे पॉइंट्स हैं उनको हम जॉइंट को अच्छे से टाके लगा के हम मैच कर ले रहे हैं, ताकि बाजू पहनते टाइम ये खुले ना। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें कि फिनिशिंग और क्वालिटी दोनों चीज़ें इक्वल आएँ और मजबूती भी सही रहे। तो हमने इस तरीके से फाइनल कर लिया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद हमने सेंटर का चटका लगा के हाला छाट देना है। तो बाजू हमारी फाइनल हो चुकी हैं। अब हम इस पर बाजू को मोड़ के फिनिश करके चढ़ा देना है। तो इसको हम नीचे से पहले हम नॉर्मल मोड़ेंगे इस तरीके से, क्योंकि पतला फोल्ड है, एक बार में इक्वल फोल्ड नहीं होगा अच्छा। तो हम इसको दो बार में फोल्ड करने वाले हैं। पहले हम ऐसे एक पैर के मार्जिन से ऐसे फोल्ड कर देंगे, फिर उसके बाद हम इसको एक बार और फोल्ड कर देंगे। ये अब हमारा फाइनल है। और उसके बाद हम इस पर एक लेस लगाने वाले हैं मैचिंग के लिए, ताकि सिंपल ना लगे। इस तरीके से इसके ऊपर हम चंपा गोटा की लेस लगा देंगे, कुछ इस तरीके से चंपा गोटा की लेस लगा देंगे। ये आप देखिए। और इसी तरीके से हम दूसरी बाजू पे भी लेस लगा देंगे। तो बाजू हमारी बन के तैयार हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं। और इसकी अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो आई होप आपको बाजू काफ़ी सुंदर लगी होंगी और पीस भी काफ़ी यूनिक लगा होगा। फाइनल पीस की मैं फ़ोटो आपको दिखाऊंगा, जिसमें हमने फ़ाइनल पीस भी ऐड किया हुआ है। तो सारा साइज़ वगैरह चेक करने के बाद हमने फ़िटिंग की सिलाई लगा देनी है, ताकि फ़िटिंग भी हमारी एक बार में बिल्कुल ठीक आए। उसके बाद हमने दूसरी बाजू ऐसे क्रॉस चेक करके बाजू से ही उस पर भी फ़िटिंग की सिलाई लगा देनी है इस तरीके से। तो ये आप देखें, हमारी दोनों बाजू बन के तैयार हो चुकी हैं। ये हमारा मेन पीस है। अब हम बाजू अटैच करेंगे आपस में। तो बाजू अटैच करने के लिए हमने क्या करना है, ऐसे बाजू को आपस में मैच करके चढ़ा देना है इस तरीके से। इस तरीके से बाजू हमें चढ़ा देना है। तो गैस, अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी कुछ यूनिक आइटम आता रहता है और आगे मैं और भी अच्छी अच्छी चीज़ें रेगुलर बेसिस पर देने वाला हूँ। काम चल रहा है कि प्रॉपर मैं आपको रोज़ एक वीडियो दे सकूं। स्टाफ वगैरह बढ़ा रहा हूं, सेटअप बन रहा है, तो अभी प्रोसेस में ही है, थोड़ा टाइम लग रहा है, बट आने वाले टाइम में सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जानी है और बिल्कुल टाइम से आपको वीडियो अपडेट होती रहेगी। और जो भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो बनवानी है किसी भी टॉपिक पर, तो आप प्लीज़ हमें आप कमेंट कर सकते हैं। जो भी टॉपिक है उसका नाम और जो भी साइज़ है वो आप अगर आप कमेंट छोड़ते हैं, तो मैं बहुत जल्दी कोशिश करके वीडियो अपडेट कर दूँगा। कमेंट आप जल्दी करें, क्योंकि कई बार ज़्यादा कमेंट्स आ जाते हैं तो हर कमेंट पे वीडियो बनाना मुश्किल हो जाता है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि जो हमारे पास पहले से कमेंट आ रखे हैं हम उसी पे वीडियो बना के अपडेट करें। तो इसलिए आप पहले कमेंट करें आप, ताकि मैं वीडियो बना के अपडेट कर सकूँ। और इस तरीके से हमने बाजू चढ़ा लेना है और हमारा फाइनल पीस तैयार हो जाएगा इस तरीके से। और इसके नीचे जो समोसा सलवार है, अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक डला हुआ है, वहाँ से विज़िट करके देख सकते हैं या चैनल पे जाके विज़िट करके देख सकते हैं। बुटीक ब्लॉग चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। और गैस, हमारा एक दूसरा चैनल है मिराज सिलाई कटाई के नाम से, अगर आपने उसको सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उस पर भी मैं नया नया कॉन्टेंट लाता रहता हूँ। कुछ कॉन्टेंट नया यहाँ, कुछ वहाँ पर, दोनों जगह पर मैं नया नया लाता रहता हूँ। मैं काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस कर रहा हूँ बुटीक लाइन में, तो मुझे भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो गया, 8-10 साल हो गए एक्सपीरियंस करे हुए। तो जो भी एक्सपीरियंस है मेरा, उसके बिहाफ पे मैं वीडियो बना के अपडेट करता हूँ। और जो भी आपकी क्वेरीज होती हैं उसके अकॉर्डिंग, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, काफ़ी कुछ नॉलेज लगा होगा और इसमें काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी कि गला कैसे बनाते हैं, डिज़ाइनिंग वाला पीस कटिंग कैसे करते हैं, डिज़ाइनिंग में हमें कटिंग कैसे करना चाहिए, स्टिचिंग कैसे करना चाहिए, काफ़ी चीज़ें हमने कवर की हैं। तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और इन तरीक़ों से ही, तरीके तरीके से ही जो है हमें चलना है, कोई भी डायरेक्ट वाला काम नहीं करना है। स्टेप बाय स्टेप आप चलेंगे तो सारे काम आपके बहुत इजी तरीके से हो जाएंगे। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के थ्रू हम आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। जो भी प्रॉब्लम होगी उसके अकॉर्डिंग मैं आपको वीडियो बना के प्रोवाइड करूँगा।
ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम है सोल्व हो सके। तो हमने देखी इस तरीके से बाजू अटैच कर ली है, इस तरीके से काफ़ी इजी और आसान तरीके से मैंने पूरा पीस बना के दिखाया है आपको। और आई होप आपकी वीडियो पसंद भी आई होगी। जो मैंने आपको बना के दिखाया वो भी थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है। अगर गाइस किसी भी चीज़ की इसमें प्रॉब्लम हो वीडियो में, तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको मैं शॉर्ट आउट कर सकूं। अगर वीडियो फास्ट है तो प्लीज़ आप उसे स्लो करके देख सकते हैं, या स्लो है तो उसे आप फास्ट करके देख सकते हैं थोड़ा सा, बट कोशिश करें कि आप वीडियो पूरी देखें। और इस तरीके से हमने देखिए फाइनल पीस बना के तैयार कर लिया है। तो ये गाइस हमारा फाइनल पीस बन के तैयार हो गया है। ये आप देखें, ये हमारा डिज़ाइनिंग का सारा काम है, सामने की डिज़ाइनिंग, बाजू की डिज़ाइनिंग, और नीचे जो पेपलम का कट है उसका जो फॉल आ रहा है, वो सारी चीज़ें, फिटिंग, फिनिशिंग। इसमें हमने लाइनिंग नहीं दी है, अगर हम लाइनिंग देते तो हमारे पीस की फिनिशिंग और अच्छी आती। ये हमारा कीओल है जो सामने में है, और नीचे से हमारा पेपलम का स्टाइल देखिए, जो चंपा गोटा का डिज़ाइन है वो देखिए, गले का डिज़ाइन है वो देखिए। तो दोस्तों आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, ये वीडियो आपको काफ़ी कुछ सिखा के गई होगी। और उम्मीद करता हूँ आप हमारे चैनल पे बने रहेंगे, हमें सपोर्ट करेंगे। कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट करेंगे, जैसा भी है अच्छा या बुरा जो भी कमेंट आप करना कर सकते हैं। और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमें दे दीजिए इजाज़त, हम मिलते हैं किसी नई वीडियो में अच्छे कॉन्टेंट के साथ में। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।